यूपीए का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिला था और इस दरमियान जो माननीय मुख्यमंत्री के संबंधित मामला जो खनन पट्टा को लेकर के जो मामला है उसके बारे में पूरी जानकारी ली गई। राज्यपाल महोदय ने पूरा इसके बारे उनके द्वारा जानकारी दी गई कि उनको ECI के द्वारा उनको लिफाफा मिला है, उन्होंने स्वीकार भी किया और चूंकि कुछ चीज़ों में उनको डाउट था इसलिए कानून विशेषज्ञों से कानूनविदों से वो इसका राय मशवरा ले रहा था और उन्होंने खुद ही कहा था, उनके द्वारा कहा गया था कि 2-3 दिन के अंदर सार्वजनिक मतलब इसको ECI को मेरे तरफ से मंतव्य चला जाएगा, बाकी निर्णय तो ECI को देना है। इस समय मैं उनको कहा क्या महामहिम महोदय एक हफ्ता भी लग सकता है क्या, मैंने पूछा भी लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, 1-2 दिन के अंदर मैं रिपोर्ट इसको ECI को भेज दे दूंगा। आज मैं आप लोगों के सामने ये बात को रखने जा रहा हूँ कि राज्यपाल से मुलाकात हुए 7 दिन हो गए, आखिर महामहिम राज्यपाल के पास कौन सा मजबूरी है? अब तक जो राज्य में जो राजनीतिक धुंध है वो धुंध अभी तक छटा नहीं है और ऐसा कौन सा कारण है कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है? हालांकि इस खेल को गठबंधन समझ रही है, इस खेल के पीछे क्या है, जबकि महामहिम राज्यपाल के द्वारा उनके द्वारा बोला महामहिम राज्यपाल के द्वारा जब बोला जाना कि भाई इसको हम 1-2 दिन के अंदर में मामला सब तस्वीर पूरा मेरे तरफ मेरे जो जिम्मेवारी उसको कर ली जाएगी, लेकिन आज 7 दिन होने के बाद भी महामहिम राज्यपाल इस पर किसी तरह का वहाँ से अभी तक अधिकृत रूप से कोई ना विज्ञप्ति आ रहा है, ना उसके बारे किस तरह का कहा जा रहा है, ना कोई जानकारी आ रही है पूरा। अगर ये सीधा सीधा कहा जाए तो ये डिले पॉलिटिक्स का मौका देता है, इस तरह का मैंने डिले पॉलिटिक्स का मौका देकर खरीद फरोख्त को बढ़ाने का काम कि राजनीतिक मैंने होती का इसमें ज़्यादा मैंने चांसेस होता है किया जाता है और गठबंधन के द्वारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत भी हासिल किया और विश्वास मत में आप जिस तरह से उसको राज्य की जनता कहें, माननीय विधायकों द्वारा सत्ता पक्ष के विधायकों द्वारा उनको एक विश्वास मिला और एक तरफ से विश्वास मत हासिल करके राज्य की जनता को बता दिया गया कि राज्य की जो जनता को बता दिया गया कि राज्य सरकार बिल्कुल स्थिर है, इनका आंकड़ा सही है इसमें, लेकिन एक तरफ से उसको अस्थिर करने का पूरा प्रयास मैंने किया जा रहा है, राज्य के जनता को भी ये मैसेज एक तरफ से चला गया है। और राज्य की जनता पर राज्य की जनता को भरोसा भी लगने लगा इसमें,
जो इस पर भारतीय जनता पार्टी जो बांटने वाला राजनीति करती है उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1932 का जो आधार पर स्थानीय नीति को लागू करने के संबंध में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मामला भी बहुत जल्द सरकार इस पर भी फैसला लेगी। और सेम चीज़ उन्होंने कहा बिल्कुल दावा के साथ कि 27% ओबीसी का आरक्षण वाला मामला, ये स्थानीयता और ओबीसी का आरक्षण वाला मामला भी, इसको भी जनता के हित में फैसला कर लिया जाएगा। ये बातें महामहिम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विधानसभा में कहा गया। पूरा मैंने एक तरफ से दोहरा चोट भाजपा को, मैंने जिसको कहा जाए दोहरा के मतलब, जिसको झारखंडी भाषा में अगर आप कहेंगे उसमें शायद आप लोग मुर्गा लड़ाई आप लोग देखे होंगे कि एक के बार में दोहरा दोहरा के दो काइथ मारता है, तो दो काइथ लगा दिया इसको समझ लीजिए, तो तिलमिला गया है भारतीय जनता पार्टी का लोग पूरा। और हमको पूरा ये जनता को यकीन भी हो गया कि आने वाले दिन में जो जनपक्षीय फैसला का एक मुद्दा सरकार के द्वारा ली जाएगी, जो आपका उनके भाषण से आपको पता चला है, और इसके प्रति गठबंधन की सरकार भी प्रतिबद्ध है। लेकिन मैं एक सवाल बीजेपी और बाबूलाल से भी मैं करता हूँ, उनसे भी एक सवाल है कि आदिवासी के नाम पर राजनीति करने के बजाय सिर्फ राजनीति किया जा रहा है, राज्य के सर्वोच्च संस्थान माने विधानसभा से शरणा कोर्ट को पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया है, लेकिन इस मामले में भाजपा और जो तथाकथित जिसको कहा जाए बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के विधायक दल के नेता है, वो इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, और इसे साफ उसको समाज के प्रति उसका उदासीनता ही दर्शाता है। और सही बात यह है कि इस तरह की जो इनके द्वारा जो किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये आदिवासी मुख्यमंत्री का हजम इनके द्वारा नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि महामहिम राज्यपाल जैसे मैंने संवैधानिक पद जो महामहिम राज्यपाल, उनके द्वारा कहा जाना और प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त कर देना कि एक दो दिन में इसको स्पष्ट कर दिया जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसमें चुप्पी रहना ये कहीं ना कहीं आपका मैंने डिले पॉलिटिक्स करना, इसमें बहुत बड़ा इसका एक षड्यंत्र है, मनसा इनका साफ नहीं है। महामहिम राज्यपाल राज की जनता जानना चाहती है कि दो दिन के बाद सात दिन हो गया और कितना समय लगेगा महामहिम को कम से कम ये स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।